पिछले दिनों डीआरडीओ द्वारा AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल की सेकेंड फ्लाइट टेस्टिंग कंडक्ट की गई थी। ये AD-1 इंटरसेप्टर डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD सिस्टम के फेज 2 का एक पार्ट है और AD-1 की मेडन फ्लाइट यानी पहली फ्लाइट टेस्टिंग नवंबर 2022 में कंडक्ट की गई थी। बात करते हैं AD-1 इंटरसेप्टर की। AD-1 एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको एंडो एटमोस्फेरिक और लो एक्सो एटमोस्फेरिक कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंडो एटमोस्फेरिक यानी ग्राउंड लेवल से 40 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड मतलब अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर और एक्सो एटमोस्फेरिक यानी 50 से 180 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर के टारगेट्स, जिसमें यह इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर सकती है। 2022 में जब AD-1 इंटरसेप्ट का मेडन टेस्ट हुआ था उस टाइम टारगेट मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटी जैसे रडार, लॉन्चर और मिशन कंट्रोल सेंटर जैसे एलिमेंट्स को चेक किया गया था। बट इस टेस्ट में इनकमिंग टारगेट मिसाइल को भी लॉन्च किया गया था जिसमें एक टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया। AD-1 का बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स था जिसमें टारगेट मिसाइल की लॉन्चिंग और उसकी इंटरसेप्शन में सिर्फ 4 मिनट्स लगे। BMD के फेस 1 की डेवलपमेंट DRDO ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। फेस 1 के अंडर पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डेवलप किया गया है जो पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइल्स और चाइना की डोंगफेंग 21 मिसाइल को टारगेट करने में कैपेबल हैं। बट फेज 2 5000 किलोमीटर क्लास वाली बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करेगा जिसमें AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, बट AD-2 इंटरसेप्टर अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसके साथ फेज 2 में लॉन्गर रेंज रडार्स होंगे जिनकी डिटेक्शन रेंज 1500 किलोमीटर तक की होगी। फेज 1 में रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक की है और इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स की स्पीड भी फेज 1 के मुकाबले ज़्यादा होगी। फेज 1 मिसाइल्स की स्पीड 4 से 5 मैक है बट AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर्स की स्पीड 6 से 7 मैक तक हो सकती है। DRDO के इस BMD सिस्टम की डेवलपमेंट में दो फोकस एरियाज हैं, जैसे हमने बात की थी कि एंडो एटमोस्फेरिक और एक्सो एटमोस्फेरिक कंडीशंस की, क्योंकि मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों में पॉसिबल होती है, सो उनकी इंटरसेप्शन कहीं पर भी हो सकती है। सो दोनों तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों जगह मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला और क्रिटिकल कंपोनेंट है लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करता है। इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार यूज़ किया गया है और जैसे हमने बात की कि फेज 2 में रडार रेंज इंक्रीज होगी, सो इसकी रिपोर्टेड ट्रैकिंग रेंज 1500 किलोमीटर बताई गई है। देन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये पूरे सिस्टम का एक तरह से नर्वस सिस्टम है जो इंटरसेप्शन प्रोसेस को मैनेज करता है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग यही सिस्टम मैनेज करता है। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो एयर डिफेंस सिस्टम का हर्ट एंड सोल है, इस BMD सिस्टम में जैसे करंटली पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं और इसके बाद ये AD-1 मिसाइल जो अभी टेस्टिंग फेज में है और फ्यूचरिस्टिक AD-2 जो डेवलपमेंट फेज में है। कई मायनों में AD-1 इंटरसेप्टर को USA की थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि थर्ड की फ्लाइट सीलिंग करीब 150 किलोमीटर की है और AD-1 की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 प्लस किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड रेंज बताई जा रही है। थर्ड की टारगेट डिटेक्शन रेंज 1000 प्लस किलोमीटर है और स्वॉर्डफिश रडार की जैसे हमने बात की 1500 किलोमीटर की रिपोर्ट्स हैं। थर्ड की हॉरिजेंटल फ्लाइट इंटरसेप्शन रेंज 200 किलोमीटर है बट AD-1 की इंटरसेप्शन रेंज क्लियर नहीं है। इसके बाद बात करें AD-1 की इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ की, तो इंडिया के रशियन ओरिजिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इसको फ्यूचर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। बट AD-1 में इंफ्रारेड होमिंग सीकर रडार है बट S-400 में इंटीग्रेशन के लिए एक्टिव रडार होमिंग सीकर का यूज़ करना होगा। एक्टिव रडार सीकर की IR सीकर के मुकाबले कई एडवांटेजेस हैं, जैसे इसको किसी भी वेदर या एटमोस्फेरिक कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है बट IR सीकर हर तरह के वेदर में फुली इफेक्टिव नहीं होता।
S-400 में टू स्टेज 40 एंड 6 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जिसकी एल्टीट्यूड लिमिट 185 किलोमीटर्स की है और हॉरिजॉन्टल टारगेट रेंज 400 किलोमीटर्स। S-400 की तरह इंडिया भी अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की अनाउंसमेंट कर चुका है और इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी जा चुकी है और लास्ट ईयर अक्टूबर में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी। कुछ साल पहले ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि DRDO लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, जो एडवर्सरी मिसाइल्स के लॉन्च होने के बाद उनको इमीडिएटली इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग ने DRDO के स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन लेयर और मिशन कंट्रोल सेंटर की गाइडेंस कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। बट यस, BMD फेज 2 अभी वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट है और इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट अभी कम से कम एक दशक दूर है।